assembly level language is machine dependent, ठीक? Machine dependent होने की वजह से हमें shift करना है, एक नई language बनाएंगे, high-level language. अब machine dependent क्या होता है? Machine dependent का मतलब होता है program of one computer या program of one machine will not run another machine. Why? एक कंप्यूटर पे मैंने प्रोग्राम चलाया, वो प्रोग्राम दूसरे कंप्यूटर पे नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि पुराने जमाने में जब असेंबली लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, या आजकल के जमाने में अगर हम देखेंगे जो कंप्यूटर्स होते हैं, एक कंप्यूटर एक कंपनी बनाती है, दूसरी कंप्यूटर दूसरी कंपनी बनाती है, इसलिए उसके इंटरनल डिजाइन में फर्क होगा. सो प्रोग्राम ऑफ वन कंप्यूटर विल नॉट रन ऑन अदर. व्हाई? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इंटरनल डिजाइन. Program of one computer will not run on other computer because of difference in internal design. अब ये internal design होता क्या है? ठीक, एक computer में वायरस एक तरीके से जुड़ी हुई होंगे, दूसरे में दूसरे तरीके से. लेकिन अब हमें उसे क्या फर्क पड़ेगा, क्यों जरूरत है हमें दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करने की, ये चीज मैं समझाऊंगा आपको. इस डिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा सेवन सीक्वेंट सेल के जरिए. आप लोगों ने कैलकुलेटर तो देखा होगा, कैलकुलेटर जो होता है, कैलकुलेटर में बहुत सारे 8 लिखे हुए होते हैं. कैसे? ऐसे मैं बनाऊंगा. ऐसे बहुत सारे 8 लिखे हुए होंगे, तो हमारे पास जो 8 लिखा हुआ होता है, इसी के जरिए हम 1 2 3 पर होकर प्रिंट आउट उसका निकाल देते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास ये एक ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है हमारे मानो दो जो होता है गिलास, दो गिलास शीश आसना, उनके बीच में एक जगह क्रिएट करते हैं इसे, ठीक, और उसके अंदर भरते हम क्रिस्टल्स. क्या भरा? क्रिस्टल्स. इसके अंदर मैंने क्रिस्टल भरा, एक ऐसा क्रिस्टल जिसको हम बोल सकते हैं लिक्विड क्रिस्टल. क्रिस्टल्स कैन नॉट बी लिक्विड. क्रिस्टल्स कभी लिक्विड नहीं हो सकते. इसको लिक्विड क्रिस्टल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बिहेव करते हैं एज लिक्विड. ये लिक्विड तो नहीं है, क्रिस्टल्स सॉलिड हमेशा होते हैं, लेकिन इनके लेयर्स में इतनी लेस फ्रिक्शन है एक दूसरे के ऊपर कि ये बिहेव करते हैं एज लिक्विड. कंटेनर की शेप ले जाते हैं, क्योंकि जब इसके लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन करते हैं तो ये आगे उसी तरीके से चले जाते हैं जैसे पानी आगे चला जाएगा. ठीक, इसलिए क्या हो जाता है, जो इसके अंदर लिक्विड क्रिस्टल वो बराबर कंटेनर की शेप ले रखते हैं, तो उसके बाद जब उसमें ये लिक्विड क्रिस्टल भरते हैं बराबर भी जा रहे हैं. उसके बाद जो क्रिस्टलाइज क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स को होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर. लॉन्ग रेंज ऑर्डर मीन्स बहुत दूर तक अगर आप जाओगे इसका हर जगह पे ऑर्डर में होगा सब कुछ. यहाँ पे भी जाओगे, फॉर स्कूल में बच्चे हैं वो लाइन में बैठते हैं सर, ठीक, तो जब वो लाइन में बैठेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ऐसे बैठेंगे लाइन में. दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आधे बच्चे क्या काम करेंगे, दो चार लड़के ऐसे यहाँ पे ग्रुप में बैठे होंगे और वो एक ही ऑर्डर में बैठे हुए होंगे, उसके बाद दूसरी जगह पे और कुछ दो चार ग्रुप लड़के ऐसे बैठे हुए होंगे, तीसरी जगह पे तीसरे ग्रुप के लड़के ऐसे बैठे होंगे. ऑर्डर तो है लेकिन छोटे छोटे टाइम के लिए, यहाँ तक ऑर्डर है फिर यहाँ तक ऑर्डर है, इसका मतलब पूरी असेंबली उन्होंने अच्छे से नहीं की है. ठीक, तो दिस इज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल्स, दिस इज शॉर्ट रेंज ऑर्डर. शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होती क्या प्रॉब्लम है? सपोज करो मेरे पास पानी है, which is 9 मज़ गैसम पीने लैक इस मज़न, ठीक, so I'm in the lake, ठीक, which is कुछ शिपस मज़न, या तो मैं किसी शिप में हूँ या किसी बोट में हूँ, ठीक. अब बोट में क्या काम हम करते हैं, और शा अतत्राव आवस मज़न, मैंने हाथ डाला पानी में, ठीक, जब मैं जोर से जब जोर से तक तुम्हारे से जा भी वक्त अंदर, जब मैं जोर से अपने हाथ को हिलाता हूँ पानी में, जब तक वो नॉर्मल होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट अपार होता है, ठीक. Your water is transparent with this color, so it is long range order in that sense. अब मैं काम करूँ, मैंने जब हाथ डाला बिल अच्छे से हिला हुआ ज्यादा, जब मैंने हाथ को हिलाया तो ऑटोमेटिकली टर्न्स वाइट वाइट एंड ओपेक. ओपेक मतलब जिसके थ्रू इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, इट्स ट्रांसपेरेंट स्किन, जो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा उसको बोलते हैं ओपेक. ठीक, तो ओपेक अब आप बोलोगे वाइट कलर इज ऑल्सो ओपेक, वाइट कलर कैन नॉट बी ओपेक. देखो ये जो है ये पेज, दिस इज वाइट कलर, मगर इमेज अपर लाइट आ रहा है,
king ya to cross the sunlight king so it's opaque opaque means jiske paar light nahi hogi that's opaque transparent means jiske paar bhi light hogi theek to ab jab maine pani ko hilaya to wo ban jata hai opaque kisi tarike se kya kaam hota hai isko hum suppose karenge jo yahan pe ek lump hai ya crystal hai is crystal ko samjho ye crystal ek lump hai इस क्रिस्टल इस हिस्से को इस लंप इसको हम समझेंगे लंप है और इस लंप को हम बोलते हैं सेगमेंट टोटल फिर कितने लंप्स हैं एक दो तीन चार पांच छह सात लंप्स हैं हमारे सेवन सेगमेंट साथ में इन लंप्स हर एक लंप का अलग अलग स्विच निकालोगे जैसे हम एक लंप का निकालते हैं घर में फिर स्विच निकालते हैं पावर लाने के लिए सपोज करो मैंने इसको यहाँ से एक कनेक्शन दिया बैटरी के साथ कनेक्ट किया अब इसमें पावर आने वाला है जब मैंने इसको पावर का स्विच ऑन कर दिया इसमें पावर जाएगा इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो जाएगी ठीक वो इसका ऑर्डर ही चेंज कर देगा करंट की वजह से इसका ऑर्डर ही चेंज कर देगा आप लोगों ने आज तक सुना है कि लंप जो है इसमें किस कलर का पावर आएगा ब्लू कलर का रेड कलर का ग्रीन कलर का व्हाइट कलर का आज तक सुना है लंप में ब्लैक कलर का पावर आता है यहाँ पे ब्लैक कलर का पावर आएगा आपने जब ऑन किया कैसे ब्लैक कलर का पावर आ जाएगा आपने जब लंप को ऑन किया तो क्या काम हो जाएगा इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा टू शॉर्ट रेंज ऑर्डर एंड इट विल टर्न ओपेक एक तो ओपेक बनेगा और ओपेक होने की वजह से ब्लैक भी बनता है रियली सी ओपेक एंड ब्लैक एक तो ओपेक बनेगा और दूसरा ब्लैक बनेगा इसमें अब लाइट पार नहीं होगी और ये ब्लैक बन जाएगा ठीक अब मेरे पास ये जो लंप है सेगमेंट है ठीक सपोज कर दो इसका अपना कनेक्शन है इसका दूसरा कनेक्शन है इसका तीसरा कनेक्शन है इसका यहाँ पे कनेक्शन है इसकी यहाँ पे स्विच है इसकी यहाँ पे स्विच है और इसकी यहाँ पे स्विच है अब यहाँ स्विचेस जो है मैंने यहाँ पे इनको इकट्ठा कर दिया ठीक सपोज करो मुझे वन लिखना है मैं इस वाले लैंप का पावर ऑन कर दूंगा इस वाले लैंप का पावर ऑन कर दूंगा तो क्या बनेगा वन बनेगा बाकी लैंप्स वन जब आप वन लिखोगे तो फिर जो कर्व का या फिर जो कैलकुलेटर से प्रेस ता जिसको दिवा वन वोज ठीक है बोले रिकॉर्डिंग चला आते से दूसरा दूसरी बात वन मैंने लिखा मैंने इस वाले लैंप का पावर ऑन किया इस वाले लैंप का पावर ऑन किया तो वन इसने लिखा सपोज करो मैंने इस लैंप का पावर ऑन किया इसका ऑन किया इसका ऑन किया इसका ऑन किया इसका ऑन किया सिर्फ इन दो का ऑन नहीं किया तो क्या बनेगा टू बनेगा तो जब मैं इन दोनों का बंद कर दूंगा बाकी का ऑन करूंगा क्या बनेगा थ्री इसका मैंने बंद कर दिया और इन दोनों का बंद कर दिया क्या बनेगा फोर इसका मैंने बंद कर दिया इसका मैंने बंद कर दिया तो क्या बनेगा फाइव इसका बंद कर दिया क्या बनेगा सिक्स ये वाले बंद कर दिया क्या बनेगा सेवन सबों का ऑन किया तो एट इस वाले को बंद किया तो क्या बनेगा नाइन इसका ये बंद करूंगा क्या बनेगा जीरो बनेगा और दूसरे वाले एट में से एक वन लिखेंगे तो बन गया टेन उसके बाद अलेवन ट्वेल्व हंड्रेड थाउजेंड टेन समझ में आ गया तो पूरी दुनिया के नंबर्स वन टू थ्री फोर सब कुछ बनेंगे खाली एक सेवन से एक एट से अब हमारे कैलकुलेटर में कितने एट होते हैं या तो आठ एट होंगे अगर वो एट डिजिट कैलकुलेटर होगा या ट्वेल्व एट्स होंगे अगर वो ट्वेल्व डिजिट कैलकुलेटर होगा ठीक तो उसी तरीके से मानो नंबर्स बना सकता है ठीक अब मैं इस चीज का क्वेश्चन बस तुम्हारी सारी सेटिंग में सच में टी एट पर निकल हां इनमें पढ़ने का सर अब देखो मैंने इस वाले लैंप का पावर ऑन कर दिया सपोज करो मुझे 2 लिखना है 2 लिखने के लिए मैं क्या काम करूंगा इस वाले लैंप को ऑन कर दूंगा इसका 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 मतलब ये वाला जो ये 0 है बाकी 1 और ये वाला 0 है और ये 1 तो बाइनरी कोड फॉर राइटिंग 2 इन दिस मशीन इज 101101 most of the people don't know engineering design hai internal jo code banega binary code for writing to it will be like this but we are enforced rules banaye gaye hain theek rules banaye gaye hain protocols banaye gaye hain rules banaye gaye for this you have to convert this into log kisi aur code mein isko aapko transfer karna hai kyunki agar ek company ne ye kis company ne banaya ये 101101 किस कंपनी ने बनाया ये बाइनरी कोड 2 लिखने के लिए ये मेरी कंपनी ने बनाया फिलहाल मैंने बनाया ठीक तो मैंने ये कोड बनाया बाइनरी 2 लिखने के लिए लेकिन दूसरा कोई इंसान आएगा दूसरी किसी कंपनी से वो क्या काम करेगा वो करेगा काम वो सपोज कर दो उसे कह रहे और ये मैं वायर दे दूंगा गॉट टू थाउन ईयर इस लेफ्ट साइड गॉट टू थाउन ईयर दो थाउन पर दिया पहले मैं इसका इसका इसकी वायर लाऊंगा फिर इसकी वायर लाऊंगा नॉर्मली क्या होने वाला था मैं लिखता 2 ऐसे लेकिन इस वाले लैंप के अगर मैं ये कोड किसी और इंसान की मशीन का उस वाली मशीन में लगाऊंगा तो यहाँ पावर आने के बजाय यहाँ पावर आ जाएगा और आप बोलोगे वायरस हो गया सिस्टम सो प्रोग्राम ऑफ वन कंप्यूटर विद आउट रन ऑन अदर
वायर चेंज कर दी, तो टू क्या बन गया? आप सोचो हमारे कंप्यूटर के अंदर 10 रेज पर आपकी जो 1 GB चिप है उसमें कितने ऐसे कनेक्शन, ऐसी स्विचेज होती हैं या मेमोरी सेल्स जहाँ पे स्टोर आएंगे 1101 ऐसे नंबर्स। अगर आप देखोगे आपकी 1 GB चिप में 10 रेज पर 11 ऐसे कनेक्शन होते हैं, ऐसे 1101 जब ये आगे बढ़ता जाएगा ये खुद खुद ही स्टोर। तो एक वायर चेंज करने की वजह से इतना एरर आ गया। तो अगर बहुत सारे एरर, अगर दो अलग अलग कंपनीज होंगी उनकी वायरस में कितनी ज्यादा डिफरेंस हो सकती है। इसीलिए क्या किया जाता है, अक्सर स्टैंडर्डाइज किए जाते हैं रूल्स कि अगर आपको टू का कोड लिखना है, ए का एक कोड है, एक इश्यू टू है वहाँ कोड, दूसरी कंपनी में टू लिखने का कोई और वाली रिकॉर्ड है, तीसरी कंपनी में कोई और है, इसलिए हम रूल्स बनाते हैं। अरे आपको मशीन में जो भी कोड निकलेगा इसको बाद में टू का आपकी मशीन से हमारे पास निकलना चाहिए, कोई पर्टिकुलर कोड सपोज 00001 सपोज करो ये कोड आना चाहिए। तो बन जाते हैं स्टैंडर्ड करने के लिए रूल्स, और रूल्स में बनते हैं सपोज ASCII कोड्स, यूनिकोड। उन्होंने बोला कि जब भी आप ए लिखोगे बाइनरी कोड में जो 65 का वैल्यू होगा, बाइनरी में जो 65 का वैल्यू होगा, 65 आना चाहिए किसका कोड, ए लिखने का कोड। ए आपकी मशीन में क्या बनता है 1110, लेकिन फाइनली जब उसको इस्तेमाल करोगे सॉफ्टवेयर में, ये मशीन जब मुझे देगी, जब तक ये अंदर से काम करता है इसको करने दो, किस तरीके से करें करने दो, लेकिन जब ये आगे किसी और डिवाइस में, जो किसी और कंपनी ने बनाई होगी मशीन, जब उस मशीन में ये कोड जाएगा, वहां पे ए नहीं जाना चाहिए, वहां पे ASCII कोड 65 जाना चाहिए। ठीक, तो उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया रूल्स, ए का ये निकलता है, दूसरे का कोई और निकलता है, उन्होंने बोला कोई बात नहीं जो निकलता है निकलने दो, लेकिन इसको कन्वर्ट करना है फाइनली किसमें, 65 में। इसलिए ऐसे सर्किट्स को कन्वर्ट किया जाता है 65 में, और जो रूल्स बनते हैं ए के लिए 65, बी के लिए 66, सी के लिए 67, ये जो रूल्स प्रोटोकॉल्स बने हैं जिसका अगर ASCII कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऐसे ही क्या काम किया जाता है, हाई लेवल लैंग्वेज को इसी को भी इसी बुनियाद पे बनाया गया कि एक कंप्यूटर का प्रोग्राम, एक कंप्यूटर पे मैंने जो पैड बनाया वो दूसरे कंप्यूटर पे भी चलना चाहिए, तभी चलेगा जब हम इसको किसी तरीके से स्टैंडर्डाइज करेंगे। और इसके लिए हमने नई लैंग्वेज बनाई, इस लैंग्वेज का नाम रखा गया हाई लेवल लैंग्वेज। अब ये था असेंबली लेवल लैंग्वेज, और नई जो लैंग्वेज हमारे पास आएगी दैट्स कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। देखो मौजू बताइए, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, रिकॉर्डिंग चल, स्टैंडर्ड कोड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब नई लैंग्वेज जो बनी हाई लेवल लैंग्वेज, और इसमें भी कोड्स का इस्तेमाल होता है, बाइनरी जो हमारे पास मशीन लेवल लैंग्वेज था उसमें बाइनरी कोड्स का इस्तेमाल होता था, उसके बाद नई लैंग्वेज बनी असेंबली लेवल लैंग्वेज उसमें निमोनिक कोड्स का इस्तेमाल होता था, अब हमारे पास नई लैंग्वेज बनी हाई लेवल लैंग्वेज में भी कोड्स का इस्तेमाल होता है, उनको बोला जाता है इंग्लिश लाइक वर्ड्स, इंग्लिश लाइक वर्ड्स। नई लैंग्वेज जो बनी दैट्स दोस कोड्स आर कॉल्ड इंग्लिश लाइक कोड, जो हम किस लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में जिन कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस कोड्स आर कॉल्ड इंग्लिश लाइक कोड्स, क्योंकि ज्यादा आसान थे इंग्लिश लाइक कोड्स, ज्यादा इनका नाम ही मानो इंग्लिश लाइक कोड्स है, डोंट इसको लिटरली नहीं लेना कि इंग्लिश लाइक कोड्स है वो, बट अगर आपको बोलेगा कि विच कोड्स आर यूज्ड इन इंग्लिश लाइक कोड्स, निमोनिक्स, निमोनिक कोड्स, निमोनिक का लिटरल मीनिंग क्या होगा, यू विल हैव टू गो फॉर दैट, बट निमोनिक्स वो कोड्स होते हैं जो असेंबली लेवल लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं, इंग्लिश लाइक कोड्स वो कोड्स होते हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं, हालांकि निमोनिक कोड्स इंग्लिश लाइक होते हैं, ADDR SVB ऑलमोस्ट नियरली लाइक इंग्लिश लाइक, सो इंग्लिश लाइक कोड्स मींस इंग्लिश लाइक कोड्स, ये मानो इनका नाम है इंग्लिश लाइक कोड्स हाई लेवल लैंग्वेज में जो इस्तेमाल होता है। ठीक,
अब हाई लेवल लैंग्वेज में भी इस हाई लेवल लैंग्वेज भी कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए इसके लिए भी ट्रांसलेटर चाहिए। इसके इसके लिए जो हम ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करते हैं, दो टाइप्स के ट्रांसलेटर हम इस्तेमाल करते हैं, वन इज कॉल्ड कंपाइलर कंपाइलर एंड सेकंड इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। कंपाइलर होल प्रोग्राम एट टाइम कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। वो मैं आगे बढ़ कंपाइलर जो है वो होल प्रोग्राम एट टाइम कन्वर्ट करेगा, और भी इसके बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल कंपाइलर जो है होल प्रोग्राम एट टाइम कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। ओवरऑल कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर प्रोग्राम व्हिच ट्रांसलेट्स हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड्स इनटू लोअर लैंग्वेज। इंटरप्रेटर also does the same, each year he can do it. For a chima dhul masil kya? Aap ish kara whole program at a time karo, ish kara line by line. Lekho this. Now, is language ko isi liye banaya gaya, taki machine independent bane. Ki kisi bhi platform pe chale, ya platform independent bane. Isi liye, this language is machine independent. Yani ki kisi bhi computer pe chale. This is machine independent. और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो योर हाई लेवल लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट, यानी ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगा, किसी भी मशीन में चलेगा हाई लेवल लैंग्वेज। ये समझ में आया?